के ग्रैब कैसे होते हैं, आखिर वे किस तरीके से कार्गो को मतलब कि मर्चेंट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो 10th या 12th के बाद। हेलो गाइड्स, कैसे हैं आप सभी? तो आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल एवरीथिंग एयर में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ खास दिखाने वाला हूं, क्योंकि शिप पर कार्गो लोड किया जाता है ये लोग तो आप सब जानते ही होंगे। जैसे मेरे पीछे शिप खड़ा है, तो ये जनरल कार्गो शिप है। जिन पर क्रेन लगी होती हैं उनको बोलते हैं जनरल कार्गो शिप, और जिन पर क्रेन नहीं होती हैं केवल होल्ड होते हैं तो दोस्तों उनको बोला जाता है बल्क कैरियर। तो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं जो शोर क्रेन होती हैं समुद्र के किनारे, जो जिन क्रेनों का यूज किया जाता है तो उनको शोर क्रेन बोलते हैं। तो वो क्रेन कैसी होती हैं और उनके ग्रैब कैसे होते हैं, आखिर वे किस तरीके से कार्गो को मतलब लोड और डिस्चार्ज करती हैं, तो वही मैं सब कुछ अपने इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो आप वीडियो पर बने रहें और वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कर आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपका रिप्लाई करने में मुझे थोड़ा लेट हो सकता है, पर आपके कमेंट का 101% रिप्लाई ज़रूर आएगा फ्रेंड्स, इस बात से आप डोंट वरी रहना। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो पर, और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी करना, और जो नए जुड़ते हैं मेरी वीडियो के साथ वो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाकर नोटिफिकेशन को करें ऑन। दोस्तों चार्जिंग या लोडिंग स्टार्ट होती है, क्योंकि अपने सिप पर 5 होल्ड हैं, ये नंबर 2 होल्ड है, इस पर ही सबसे पहले लोडिंग या डिस्चार्जिंग स्टार्ट होती है। तो कुछ ऐसा व्यू नज़र आता है, आप देख रहे होंगे ये शोर क्रेन है और ये है कार्गो, और ये ग्रैब काफ़ी बड़ा है, आप देख रहे होंगे काफ़ी बड़ा ये ग्रैब है जिसके द्वारा डिस्चार्जिंग की जा रही है। बहुत ही कार्गो आ जाता होगा इसमें, ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम 9 टन लिखा हुआ है, 9 टन कार्गो आ जाता है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा ग्रैब है दोस्तों।
गाइड्स बहुत सारे कमेंट मेरे पास आते हैं जो अपने भाई लोग देखते हैं तो उनके काफ़ी कमेंट आते हैं और मेरी शॉर्ट्स वीडियो काफ़ी वायरल होती हैं तो उन पर भी काफ़ी कमेंट्स हैं। अगर आप भी मर्चेंटिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं तो 10th या 12th के बाद आप कर सकते हैं GP रेटिंग के कोर्स, और जिनकी एज हो चुकी है 25.5 साल से ज़्यादा वो STCW कोर्स करने के बाद मर्चेंट नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो, आज का ब्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा आप लोगों को। अगर आपको ब्लॉग अच्छा नहीं लगा है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको कुछ भी वीडियो के अंदर ब्लॉग के अंदर रॉन्ग लगता है, मतलब गलत लगता है, तो आप मुझे कमेंट कर जरूर बताएं, क्योंकि आप मेरे ऑडियंस हैं, आप मेरा परिवार हैं। मतलब कोई मिस्टेक या प्रॉब्लम वीडियो में रहती है तो मैं उसको नेक्स्ट ब्लॉग में यानी नेक्स्ट वीडियो में सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा दोस्तों।